वेलकम टू सूरज कंप्यूटर्स। आज हम आपको बताते हैं सैमसंग के प्रिंटर ML2160 के बारे में। इसमें जब भी हम कोई कमांड दे रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं कि एक साइड का जो राइट लेफ्ट साइड का है मैटर, वो पूरा डिलीट होके आ रहा है, और अगर आ भी रहा है तो हल्का फुल्का लाइटली आ रहा है। ये प्रॉब्लम्स इस प्रिंटर में क्यों आता है, हम ये समझना चाहेंगे आज। ये जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो आता है ये प्रिंटर के फ्यूचर के इशू की वजह से आता है। जब फ्यूचर गंदा हो जाता है या उस पर कोई डस्ट पड़ जाता है या किसी कारणवश उस पर कोई लिक्विड पड़ जाता है तो ये ऐसा प्रॉब्लम आता है इस प्रिंटर में। आप ये देख सकते हैं, इसको हम अपने घर पे भी अगर मे भी चाहें पॉसिबल हो तो हम कर सकते हैं बड़ी सावधानी से। इसके लिए एक कॉटन या कोई भी कपड़ा ऐसा ले सकते हैं, और कोई ऐसा लिक्विड चाहिए जिसमें वाटर की बिल्कुल भी मात्रा ना हो। ऐसे हम इसके जो इसका फ्रंट है इसको खोलेंगे, और खोलने के बाद हम यहाँ से इसको हटाएँगे तो हमें यहाँ पर ये फ्यूजर मिलेगा जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है। ये फ्यूजर है और इसको हम बहुत बारीकी से इसे हम क्लीन कर सकते हैं। मे बी पॉसिबल अगर आपसे हो पाए तो घर पे ऐसा कोशिश कर सकते हैं आप एक बार। कोई भी ऐसा जिसमें अल्कोहल की मात्रा हो, आज जिसे हम ज़्यादातर हम तो आईपी से कर क्लीन करते हैं, तो बिना वाटर वाला कोई केमिकल हो आप उससे इसे क्लीन कर सकते हैं। देन क्लीन करने के बाद आप देखेंगे तो प्रिंट की क्वालिटी और प्रिंट भी सही हो जाएगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, ताकि आपको भी ऐसी डिटेल्स मिलें और आपके जो रिलेटिव हैं उन्हें भी कुछ चीज़ें पता चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।